अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यावर मर्चेंट और आप लोग देख रहे हैं मर्चेंट टीवी। इमाम अली अलैहि सलाम की खिदमत में एक शख्स आके कहने लगा, या अली, कयामत से पहले इंसानों का वो कौन सा अमल होगा जो अल्लाह की नाराजगी का सबसे बड़ा सबब बनेगा। बस जैसे ही ये पूछा गया तो इमाम अली अलैहि सलाम ने फरमाया, ए बंदा, ए खुदा, याद रखना, कयामत से पहले इंसान को बीमार करना शुरू हो जाएंगे। तो वो कहने लगा, या अली, वो कैसे? इमाम अली अलैहि सलाम ने फरमाया, ए शख्स, आखिरी जमाने के लोग नफरत, हसद, लालच और मुनाफिकत में इतने आगे बढ़ जाएंगे कि वो इंसानों से लड़ने के लिए तलवार, नेजे, भाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि अजीब अजीब बीमारियों को पैदा करेंगे और मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में उन बीमारियों को फैलाने की कोशिश करेंगे ताकि उन बीमारियों में वो लोग घुट घुट के मर जाएं और किसी को मालूम भी ना हो कि उन लोगों को किसने मारा। और यही वो अमल होगा जो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा नाराजगी का सबब बनेगा। तो वो कहने लगा, या अली, अगर उस दौर इंसान उन बीमारियों से बचना चाहे तो क्या करे? इमाम अली अलैहि सलाम ने फरमाया, ए शख्स, उस दौर इंसान दौलत के नशे में इतने पस्त हो जाएंगे और ऐसी ऐसी चीजें बनाना शुरू कर देंगे जो उनके माहौल को आलूदा रखेगी। अगर उस दौर के लोग सफाई को मुकद्दम रखें और ऐसी जगह पर रहना शुरू कर दें जहां ज्यादा दरख्त हो और मिट्टी के बर्तन में पानी पीना शुरू कर दें, अपने पानी को मिट्टी के बर्तन में रखना शुरू कर दें और रखा हुआ खाना कम कर दें, तो अल्लाह उन्हें उन हजारों बीमारियों से अपनी पनाह में रखेगा, हजारों बीमारियों से अपनी पनाह में रखेगा।